नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन फ्रॉम secondtires.com। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी रिजेक्टेड टायर्स की जर्नी के बारे में। ठीक है, मतलब कंपनी रिजेक्टेड मतलब दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। एक तो कंपनी रिजेक्टेड टायर्स की जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, उस पूरी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि एक जो बिजनेस ओनर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी रिजेक्टेड टायर्स में तो दो टाइप से होता है। एक तो होता है फैक्ट्री मिस्टेक टायर। ठीक है, फैक्ट्री मिस्टेक वाले टायर मतलब जो फैक्ट्री से बनने में जिसमें कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, एक होता है सर्विस फेल। ठीक है, सर्विस फेल मतलब जो कंपनी ने गारंटी दी, ठीक है, टायर में गारंटी कंपनी ने दी, फिर इसके बाद में वो टायर जाके जैसे गारंटी में टायर में एयर आ गया, कोई बबल आ गया, कोई भी गारंटी फॉल्ट आ गए, तो वो टायर में क्लेम आ गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सर्विस फेल। मतलब जो चलने के बाद में टायर में डिफेक्ट आया है, जो कंपनी से रिजेक्ट हुआ है टायर, वो होता है सर्विस फेल। ठीक है, ये दो नंबर नंबर टू और नंबर वन फैक्ट्री मिस्टेक। ठीक है, अब फैक्ट्री मिस्टेक में दो टाइप से चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है फ्रेश टायर। मतलब मैं एक नाम देकर चल रहा हूँ, फ्रेश मतलब एनडी बोल के चलते हैं इसको, एनडी मतलब नो डिफेक्ट। ठीक है, तो नो डिफेक्ट वाला जो टायर होता है, और दूसरा होता है इसमें जो कि रिपेयर होने लायक हो। ठीक है, इसमें दो तरह के टायर होते हैं। ठीक है, एनडी मतलब वो टायर जो फैक्ट्री से बना, ठीक है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ ये वाला जो टायर है इसमें सिर्फ क्या होगा कि या तो उसका हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा उसमें जैसे थोड़ा हल्की रबड़ ज़्यादा हो गई, या फिर 10-20 मतलब जो भी 150 ग्राम जो वजन का है, वेट का है, वो चीज़ हो गई, या फिर डेट का इशू हो। ठीक है, तो वो ये आइटम होती है। ठीक है, दूसरा होता है रिपेयर होने लायक मटेरियल, जैसे कि टायर में मतलब बनने में मशीन में थोड़ा सा जल गया है ना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये रिपेयर होने लायक आइटम होती है, जो आगे जाके खोल में बदलती है, खोल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जो कि जैसे खोल वाला टायर हम बोलते हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर मेरा और वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये है सर्विस फेल। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ आगे कि ये इसमें आजकल हो क्या रहा है, मतलब किस में कॉम्पिटिशन है, किस में क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये सर्विस फेल है। सर्विस फेल में क्या होता है, जैसे टायर में एक तो जो चलने के बाद में कोई उसमें कट लग गया, ठीक है, टायर में, है ना, या फिर बेदाग है कोई टायर, है ना, जिसमें एयर, अगर मान लो कोई टायर में एयर है, इस तरीके के अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसको रिपेयर की करके चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होता है, अब मार्केट में होता क्या है। कंपनी रिजेक्टेड टायर्स जब चालू हुए थे तो कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने क्या किया, जैसे जो भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, CEAT, JK, अपोलो, MRF, गुडियर, ठीक है, इन सब में क्या है कि ये सब ब्रांड्स ने क्या किया, पहले टायर फैक्ट्री से जो भी मिस्टेक आई टायर में, उन्होंने कंपनी ने इसको बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाला तो कुछ वेंडर्स जो होते थे, ठीक है, कंपनियां ऐसे तो टायर बेचती नहीं, कोई भी जाएगा और वो उधर से लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टेंडर, कंपनियां टेंडर निकालती हैं, एक टाइम होता है, उस टाइम पर कंपनियां अपने टेंडर्स निकालती हैं। अब टेंडर निकालने के टाइम पे क्या होता है कि जब भी कंपनियों ने टेंडर निकाला तो कुछ वेंडर्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक वेंडर ने ये मटेरियल, ये वाला टायर बाय किया, ठीक है, इसको खरीद लिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस टायर की कीमत है, उस टायर की कीमत है 20,000। ठीक है, मैं 20,000 रुपये लेकर चल रहा हूँ, वो टायर कंपनी से फैक्ट्री वाले ने बोला कि यार मैं ये टायर तो ना 2,000 रुपये का ही ले सकता हूँ, तो कंपनी वालों को लगा, कह रहे वाह, मतलब ये टायर जो हमारा, हम जो ख़राब मटेरियल निकाल रहे हैं ये हमारा बिक जाएगा, जबकि वो टायर था उसकी कीमत थी 20,000। ठीक है, तो वो पर्सन ने उस टायर को जाकर 10,000 रुपये में मार्केट में बेचा। ठीक है, फिर 10,000 रुपये को जिसको बेचा उसने जाके आगे 15,000 में बेचा। ठीक है, ये हुआ, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये जो वेंडर है जो 20,000 का टायर 2,000 में खरीद रहा था, ठीक है, धीरे धीरे आगे चल के हुआ क्या कि वो जो कंपटीशन ऊपर होने लग गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ दो तरीके से कॉम्पिटिशन होता है। ये तो है ऊपर के वेंडर्स, सॉरी शायद आपको ना दिख रहा ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट,
ठीक है, इसमें दो तरीके से कंपटीशन होता है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो वेंडर है ठीक है, जो ऊपर खरीद रहा है ठीक है, जो टेंडर ले रहा है उसका, जो मतलब साल भर उसका माल उठाएगा, लाखों टायर जो निकलेंगे कंपनी से या हजारों टायर जो भी निकलेंगे ठीक है, वो उठाएगा ठीक है। इसके बाद में वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम जैसे लोगों को, है ना। मतलब जैसे जो लोग जैसे दो दो चार दस पचास पच्चीस टायर पर डे अपनी काउंटर से बेचते हैं या फिर आगे रीसेलर्स को देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे है, जैसे सपोज कीजिए मैं अशोक नगर में रहता हूँ ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ठीक है। तो जो वेंडर्स हैं ऊपर ठीक है, वो पांच वेंडर्स हैं सपोज कीजिए। अब जब कंपनियों को क्या हुआ, धीरे धीरे, मतलब ये टाइम काफ़ी टाइम की पुरानी की बात है, जब क्या हुआ कि कंपनियाँ 2000 रुपये में उस टायर को एक वेंडर को बेच रही थी ठीक है। फिर कंपनियों ने क्या करा, कंपनियों ने उसका टेंडर निकालना चालू किया, काफ़ी सारे और लोग आने लगे उसमें ठीक है। उसमें कोई पर्सन कहता था कि मैं 2100 रुपये दूंगा, मैं साल भर आपका जो भी टायर निकलेगा वो सब उठाऊंगा, कोई कहता है 2200 दूंगा, कोई कहता है 5000 दूंगा। किसी बंदे ने दिमाग लगाया कि यार ये टायर मेरा 10000 का बिक रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 9000 में खरीद लूँ ठीक है। तो जब ये 9000 रुपये का खरीदा होने लगा टायर ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1000 रुपये का मार्जिन रह गया, है ना। अब जो नया टायर है, फ्रेश टायर ठीक है, अब सपोज कीजिए जो 9000 में खरीद रहा है, जो करोड़ों रुपए लगा रहा है 9000 रुपए बाय करके, तो वो ये दिमाग लगाता है कि यार जब नया टायर है, सपोज कीजिए 20000 रुपए का कोई ट्रक का टायर है ठीक है, और मैं उसको 10000 रुपए होलसेल रेट है ठीक है, तो मैं ही क्यों ना ऐसा करूं 9000 में खरीद के डायरेक्ट ट्रक वाले को 12000 का बेच दूं ठीक है। समझ गए ना। तो जो बीच की चेन थी, मतलब जो वेंडर से जो लोग होलसेलर खरीदते थे फिर आगे ले जाके अपनी दुकान पर बेचते थे, वो चेन ब्रेक हो गई ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा हो सकता था फ्रेश टायर में, वो प्रॉफिट हो गया कम ठीक है। अब धीरे 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 वो टायर कंपनी से ही 15000 का निकलने लग गया, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ठीक है। जो वेंडर से जो होता था काम, उसी प्रोसेस से, मतलब क्यों, क्योंकि हर 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 बंदा हर साल आता है, कंपनियां तो कहती हैं यार मेरे को तो पिछले साल 10000 का भाव मिला था ठीक है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं उनका काम ही यही है, मतलब वो डेडिकेटेड एम्प्लॉयज इसीलिए बिठा ले गए वहाँ पे कि आपने जो पिछले साल में जितने का माल बेचा था उससे ज़्यादा का बेचो ठीक है। तो वो टायर धीरे 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 करके अब 13000 का हो गया है ना, अब 14000 का हो गया। तो लगभग वो टायर जो 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 ये हम लोग नीचे वेंडर्स बेच रहे थे, वो बेच ही नहीं पाते, मतलब एंडी टायर ना तो नीचे जाके क्वांटिटी मिलेगी ठीक है, ना ही उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर क्वांटिटी मिल भी रही है, जैसे अगर मान लो आपको टायर मिल भी गया है ठीक है, तो वो 13000 रुपये का टायर है जो कि मार्केट में 15000 का बिकेगा ठीक है। 13000 रुपये का कौन उठा रहा है, जो कि होलसेलर है, जो वेंडर ऊपर का जो बल्क में ले रहा है, जिससे साल भर माल लेने वाला है ठीक है। उसने 13000 का लिया, सपोज करो वो 14000 का आपको देता है ठीक है। अब 14000 रुपये आपने लगाए, और उस टायर में क्योंकि वो कंपनी से रिजेक्ट किया हुआ है, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें, आप रिस्क आपका है, मतलब कस्टमर आपसे टायर ले गया तो वो चले नहीं चले उसका रिस्क आपका है ठीक है। तो इसमें हमारा जो मार्जिन होता है ठीक है, वो हो गया इसमें ख़त्म ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, मैं आपको इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ। देखिए हाँ, एक तो ये है कंपनी रिजेक्टेड टायर्स की, मैं आपको पूरी की पूरी जर्नी बता रहा हूँ। इसमें दो तरह से कॉम्पिटिशन होता है, मतलब एक तो ऊपर वेंडर कॉम्पिटिशन करता है, नीचे कॉम्पिटिशन होता है ये जो वेंडर से जो और लोग बाय कर रहे हैं ठीक है। अब जैसे मान लो अशोकनगर में सपोज कीजिए 5 दुकानदार ठीक है, या 2 दुकानदार या 3 है या 10 है ठीक है। तो सपोज कीजिए 10 दुकानदार हैं, तो 10 में से जो जो लोग हर एक पार्टी जो खरीदेगी, जो माल खरीदेगा ठीक है, वो चाहेगा कि यार मेरा बिके, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा माल बिके, दूसरा चाहता है कि वो उसका माल बिके। तो मैं ऊपर अगर 10000 रुपये देकर आया हूँ, एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ ठीक है, और ये पर्सन 14000 में बेच रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं 13500 में बेचूँगा ठीक है। दूसरा कहता है मैं 13000 में बेचूँगा, मतलब ये क्या बोला यार मैंने, हाँ 10000 का लेकर आया तो मतलब सब सही है, तो 12000 का बेचूंगा, कोई कह रहा है 11000 का बेचूंगा। तो इस तरीके से ऊपर रेट बढ़ते जा रहे हैं ठीक है, क्योंकि ऊपर भी कंपटीशन चल रहा है, ऊपर जिसको माल ज़्यादा चाहिए टेंडर में, क्योंकि उसको साल भर माल चाहिए, तो इसलिए उसको रेट ज़्यादा डालना पड़ेगा अगर उसको चाहिए, नहीं तो कंपनी बोलेगी यार हम आपको क्यों दें, हम तो दूसरे को बेच सकते हैं ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से इसमें मार्जिन श्रिंक होता रहता है, मतलब कम होता रहेगा दिन ब दिन। ये ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है या कल होगा, ये हमेशा होता रहेगा। और ये काम, मतलब ये वाला जो काम है, ये जिंदगी भर होता रहेगा है ना। और कोई भी प्रोडक्ट हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, ये काम जीवन भर होता रहेगा। तो एक जो बिजनेस ओनर की जो स्किल है, मैं आपसे पूछता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो क्या है। एक बिजनेस ओनर की जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो ये नहीं है कि
मुझे ये टायर के में क्या डिफेक्ट है और क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या नहीं, मतलब टायर कैसे बनता है या रिपेयरिंग कैसे होती है, ये सब किसी बिजनेस ओनर की स्किल नहीं है। बिजनेस ओनर की स्किल सिर्फ क्या है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्किल जो उसके होना चाहिए जिससे कि वो बहुत प्रॉफिट कमा सकता है, वो ये होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना, मतलब प्रॉफिट देखना, ठीक है, गैप देखना। गैप देखना मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे और मेरे कस्टमर को दोनों को प्रॉफिट हो, दोनों को बेनिफिट हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसी कोई चीज़ ढूंढ ली है जिसमें मुझे भी बहुत लाभ है, ठीक है, और जिसमें मेरे कस्टमर को भी बहुत लाभ है, तो फिर वो जो मतलब उतने टाइम तक आप उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हो जितने टाइम तक वो चल रही है। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को क्या करते हैं लोग कि कोई पर्टिकुलर आइटम पे रहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइकिल शॉप्स, ठीक है, आज से 5 साल पहले मेरी साइकिल की शॉप थी मेरे फादर की, ठीक है, तो अगर हम साइकिल की शॉप पे डिपेंडेंट थे तो उसके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सैलरी कम हो रही है, ठीक है, और इसके बाद में मार्जिन्स भी कम कम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल भी कम मार्जिन भी कम, तो जो जो वो है मार्जिन्स जो प्रॉफिट है उसका वो श्रिंक हो रहा है। अगर वो प्रॉफिट आपका श्रिंक हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप नहीं कमा रहे हो पैसा। आपको ऐसा गैप ढूंढना है, मतलब आपको ये करना है कि यार मुझे खाली ये मेन इंपॉर्टेंट स्किल आपका यही है, किसी भी बिजनेस ओनर का स्किल मेन इंपॉर्टेंट यही होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये ऊपर भी मतलब मार्जिन इसके बढ़ते घटते रहेंगे, हमारा काम है कि हमको देखना है कहाँ पे हमको फायदा दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं रिपेयर वाले पे, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आता है, मेरे जैसे मैं अगर एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं रिपेयर वाला टायर क्यों बेचूँ, ठीक है, तो ये रिपेयर वाला टायर मैं इसलिए बेचना पसंद करूँगा अगर मुझे इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे भी प्रॉफिट है और मेरे कस्टमर को भी फायदा है। मतलब अगर उसमें सपोज कीजिए 40,000 का टायर है, ठीक है, मुझे अगर ये 12,000 का मिल रहा है, ठीक है, और अगर मैं मतलब 20,000 का टायर है, सपोज कीजिए 12-20 हज़ार का टायर है, मुझे 11,000 का मिल रहा है, और अगर मैं इसको 13,000 का बेच सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं 2,000 रुपये प्रॉफिट इसमें बचा सकता हूँ, है ना, तो जोड़ी पे मतलब मैं 4,000-5,000 रुपये इसमें कमा सकता हूँ, और कस्टमर को भी इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये का फायदा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं इस काम को कर सकता हूँ और इसमें मेरा काम है, देखो कस्टमर कोई भी हो वो हम पर बिलीव करता है, ना कि टायर कैसे बन रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कभी भी आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं पार्ले जी बिस्किट का, ठीक है, कभी भी आपने पार्ले जी बिस्किट को देखा होगा, ठीक है, वो हमेशा बेचने पर फोकस करते हैं, वो ये देखते हैं, उनने पहले तो सारी रिसर्च कर रखी है, जैसे ये जो रिसर्च हमको करनी है कि टायर सही चल रहा है कि नहीं कर रहा या क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके बाद में उनका काम है कि उनने सारी चीज़ें बनाई। अब वो ये थोड़ी बताते हैं उनके एडवर्टीजमेंट में कि हम ये जो बिस्किट है वो कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, क्या चीज़ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, उनका काम है सिर्फ बेचना, ठीक है। रिसर्च उनने सारी कर रखी है, मतलब जो कि रिसर्च आपको भी करना है कुछ भी करने से पहले, ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट कोई भी चूज़ करना चाह रहे हैं, जो आप मार्जिनेबल प्रोडक्ट, मतलब जो भी लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन कि यार ऐसा ना हो टायर ख़राब हो जाए, तो वो रिसर्च आप कर लो, ठीक है, वो रिसर्च आप कर लो, फिर आपको बस ये सोचना है कि यार मैं इसको बेचूं कैसे। अगर आप सही चीज़ बेच रहे हो जिसमें कस्टमर का भी फायदा है आपका भी फायदा है, तो आप बिंदास उसको आगे पुश कर सकते हो, ठीक है। वो रिपेयर वाली आइटम भी है, मतलब अगर कोई टायर रिपेयर किया हुआ भी है, ठीक है, तो वो भी आप पुश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आप टेस्ट कर चुके हो कि मैं मुझे भी इसमें बेनिफिट है, सामने वाले को भी इसमें फायदा है, ठीक है। तो जो आपने जैसे देखा होगा पार्ले जी बिस्किट का ऐड देखा होगा, उसमें वो दिखाते हैं जो कि जिससे कस्टमर खरीदेगा, ना कि ये बताते हैं कि भाई कैसे बनेगा ये क्या होगा, वो सब काम दिमाग हमें नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया बिजनेस, अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं, सर्विस फेल जो टायर है, ठीक है, सर्विस फेल टायर का मतलब क्या हुआ, चला हुआ टायर जो होता है, ठीक है, इसमें जैसे टायर में कोई में छोटा मोटा कट लग जाता है या किसी में कुछ एयर आ जाती है, कुछ किसी में कोई भी फॉल्ट आता है, बीट पे कोई फॉल्ट है या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो हमारा काम ये है कि अब हम ये नहीं बोलेंगे कि यार नहीं यार एनडी टायर हम तो एनडी बेचेंगे खाली, हमें प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट इन द सेंस मैं सिर्फ हमारे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ हमारे प्लस हमारे कस्टमर के, जब दोनों लोग जीत रहे होंगे, मतलब मेरा ग्राहक भी जीत रहा है और मैं भी जीत रहा हूँ, तब मेरे लिए प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें एनडी टायर में सपोज कीजिए ना तो वो जीत पा रहा है, मतलब वो तो जीत जाएगा, चलो ठीक है आपने उसको 5,000 रुपये कम में वो टायर दे दिया, ठीक है, बट मैं तो नहीं जीत रहा हूँ ना, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, ठीक है। हम क्या सिचुएशन ढूंढ रहे हैं जिसमें दोनों का फायदा हो, ठीक है, तभी काम बनेगा। तो अगर जैसे अगर इसमें कोई कट वाला टायर है जिसमें पैंच लग सकता है, चल सकती है चीज़, ठीक है, तो उसको मुझे बिंदास मुझे ये देखना होगा कि भाई ये काम होगा कैसे, ये सक्सेसफुली चलेगा कैसे,
ठीक है, तो वो सारी मेरी और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिख रहा है, उसमें आप हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें विन विन सिचुएशन है, जिसमें कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट है और आपको भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है, मतलब जिसमें आपका भी फ़ायदा उसका भी फ़ायदा, तो काम आपका बन सकता है। तो सर्विस फेल टायर पे थे हम। सर्विस फेल में क्या होगा कि पुराना टायर है जैसे, इसमें आपने चेक कर लिया, कोई भी टायर है, मतलब हमारा काम है, हमें टेस्ट करना है, हमें चेक करना है कि ये चीज़ हमारे और हमारे ग्राहक के काम की है या नहीं। अगर दोनों चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चल सकता है काम, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।